हे गाइस, वेलकम बैक टू मेकओवर आर्ट्स एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल लुक, जिसे आप कैरी कर सकते हैं एज अ पार्टी मेकअप इवनिंग में, और कैरी कर सकते हैं मॉर्निंग के किसी फंक्शन में, या फिर कैरी कर सकते हैं आप राखी में जो कि अपकमिंग है। ये मेकअप मैंने अचीव किया है जस्ट 100 रुपीज़ में ओलिविया पेनस्टिक से। ये मेकअप लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसे मैंने कैसे अचीव किया है तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अपने फेस से। फेस को आप क्लीन कर लीजिए और कोई भी आप अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लीजिए। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके 1 मिनट तक आपको छोड़ देना है ताकि वो आपकी स्किन पे सेट हो सके। करेंगे हम अपना प्राइमर। मैंने यहाँ ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ किया है। ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट है। जब भी आप प्राइमर यूज़ करते हैं कि मेक श्योर कि आप प्राइमर को डैप करते हुए अपनी प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ पर लगाएं, ना कि आप उसके रब करें, क्योंकि ये एक सिलिकॉन बेस्ड फॉर्मूला है। अगर आप इसे डैपिंग देंगे तो ये अच्छे से आपके स्किन पे सेट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको इसको छोड़ देना है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अब यूज़ करेंगे हम फाउंडेशन। मैंने यहाँ पे ओलिविया का पेनस्टिक यूज़ किया है। ये कुछ इस तरीके से बॉटल है और इसका नंबर जो शेड है वो है नंबर 3। ये मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क है, क्योंकि जब मैंने इसे परचेज़ किया था तो ये मॉर्निंग की लाइट पे कुछ अलग कलर था, बट अभी ये कलर मेरी स्किन पे मुझे डार्क लग रहा है। बट डोंट वरी, हम आगे इसे ब्लेंड कर देंगे। तो मैंने अच्छे से इसका एक कोट मैं अप्लाई कर लूँगी, यानी कि मैंने इसे डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। आपको दिख रहा होगा कितना फ़र्क है, ऑलमोस्ट 2 शेड्स डार्कर है ये मुझसे। तो आप मेक श्योर जब भी ओलिविया का पेन स्टिक परचेज़ करें तो थोड़ा सा ध्यान से करें। देन डैप करते हुए मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी अपनी स्किन पे। ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, यही आपके फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग करता है। आपको अपने फाउंडेशन रूटीन में टाइम देना होगा, तभी आपका फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग वाटर प्रूफ होगा और आपको वो फिनिशिंग मिलेगी जो आप चाहते हैं। आप देख रहे होंगे एक कोट से ही मेरा फेस कवर हो गया है, यानी कि इसकी कवरेज भी अच्छी है। ये ऑलमोस्ट आपकी स्किन को 50% तक कवरेज देता है। देन उसके अलावा इसकी फिनिशिंग भी अच्छी है, क्योंकि जैसे जैसे मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ वैसे वैसे मेरे फेस पर शाइन आ रही है। आपको पता नहीं चल रहा होगा, बट क्योंकि मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं ये बात आपको अच्छे से बता सकती हूँ कि जैसे जैसे आप इसे ब्लेंड करेंगे इसका जो हार्डनेस है वो कम होती जाएगी और आपके स्किन पे एक ग्लो ऐड होता होगा। अब आपको ये शाइन नज़र आ रही होगी, क्योंकि मुझे ब्लेंडिंग करते करते काफ़ी टाइम हो गया है और प्रोडक्ट मेरी स्किन पे अब्सॉर्ब हो गया है। इसी तरीके से आपको इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये क्रीम बेस्ड फार्मूला है तो आपको ब्लेंडिंग में टाइम लगेगा। जितना कि आपको लिक्विड फाउंडेशन में टाइम लगता है, उससे ज़्यादा टाइम लगता है आपको क्रीम ब्लेंडिंग में। जब भी आप अपना फाउंडेशन यूज़ करें तो मेक श्योर वो आपका नेक और फेस दोनों से मैच करें। अब मैं यहाँ एवॉन की कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये मेरी स्किन शेड से काफ़ी फेयर है और मैं इसे ऑलमोस्ट अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी एज अ हाइलाइटर, क्योंकि मुझे अपने फाउंडेशन को मिक्स करना है अपने नेक एरिया से। इसी वजह से मैं इसे थोड़ा ज़्यादा लूँगी ताकि जो मेरा डार्क फाउंडेशन है वो मेरी स्किन टोन से मैच हो जाए। एंड देन अगेन ब्लेंड 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 ब्लेंड, अच्छे से आपको फॉर्मूला मैच करना है अपनी स्किन से, क्योंकि ये भी एक क्रीम बेस्ड फार्मूला है तो क्रीम बेस्ड फार्मूला में ब्लेंडिंग में टाइम लगता है। डैपिंग करते हुए मैं इसे ब्लेंड करूँगी और डैपिंग करते हुए ये सारा प्रोडक्ट हमारी स्किन पे ऑब्जॉर्व हो जाएगा। आपको स्किन को रगड़ना नहीं है और ना ही जल्दबाजी करनी है, क्योंकि ये मेकअप आपका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो आपको कम से कम 10 मिनट देने हैं अपने फाउंडेशन रूटीन में। इस पर अगर आप कंसीलर यूज़ करते हैं या फाउंडेशन यूज़ करते हैं या कुछ भी आप यूज़ करें अपने स्किन पर, तो आपको टाइम देना है, क्योंकि क्रीम बेस्ड फार्मूले में आपको ब्लेंडिंग में टाइम लगता है। अगर आप कोई लिक्विड फार्मूला यूज़ कर रहे हैं जैसे कि फिट मी वगैरह, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो ऑलरेडी लिक्विड होता है और उसको आपको जस्ट अपने स्किन पे स्प्रेड करके डैपिंग देनी होती है और वो आपकी स्किन पे इजीली ब्लेंड हो जाता है। बट जहाँ आप क्रीम यूज़ करते हैं वहाँ आपको ब्लेंडिंग में टाइम देना होता है, क्योंकि इनकी कवरेज भी अच्छी होती है। नाउ अब आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन पे जो मेरा फाउंडेशन है वो ऑलमोस्ट मेरी स्किन टोन से मैच कर रहा है। हम आगे कुछ और प्रोडक्ट यूज़ करेंगे जिससे मेरी स्किन टोन से ये पूरी तरह मैच कर जाएगा। इतना काफ़ी है। अगर आप कोई क्रीम कॉन्टोरिंग करेंगे तो आप यहाँ पाउडर इस्तेमाल मत करिएगा। मैं यहाँ पाउडर यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे अभी यहाँ क्रीम कॉन्टोरिंग करनी है। और जब आप क्रीम कॉन्टोरिंग करते हैं तो मेक श्योर आप पहले अपना कॉन्टोरिंग करें
उसके बाद ही आप पाउडर इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आपकी स्किन पे पैचेस पड़ जाएंगे, मेकअप केकी हो जाएगा। गाइस यहाँ मैंने अपने जो कॉन्टोरिंग है वो स्टार्ट कर दी है। मैंने लिटिल बिट कॉन्टोर किया है अपनी चिक को, नोज़ को, फोरहेड को। उसके अलावा मैंने अपना जो चिन एरिया है उसको कॉन्टोर किया है। आप अपने फेस के हिसाब से अपने प्रॉब्लमेटिक एरिया को कट कर सकते हैं। मेरा फेस राउंड है, अगर आपका राउंड फेस है तो आप इस तरीके से लाइट कॉन्टोरिंग दे सकते हैं। देन इसको भी हम अपने स्पॉन्ज से ब्लेंड कर देंगे, और हमेशा ब्लेंडिंग आपकी जो चिक्स पे होती है वो ऊपर की तरफ होती है, ध्यान रखिएगा। और जो ब्लेंडिंग आपकी फोरहेड पे होती है वो भी ऊपर की तरफ होती है, यानी कि आप जो हाईलाइट करते हैं तो आपको नीचे की तरफ करना होता है, कॉन्टोरिंग को आपको हमेशा ऊपर की तरफ ब्लेंड करना होता है। जब आपका एक बार ब्लेंडिंग कंप्लीट हो जाएगा, देन हम यूज़ करेंगे अपना पाउडर कंटूर। आपकी जब ब्लेंडिंग कंप्लीट हो जाती है कॉन्टोरिंग में, तो उसको सेट करना ज़रूरी होता है ताकि वो थोड़ा सा परमानेंट हो जाए और पैची ना पड़े। देन आपने देखा होगा कि इसमें टू शेड हैं, एक है लाइटर शेड जो कि है येलो पाउडर, उससे मैं अपना हाइलाइटिंग एरिया कंप्लीट करूँगी, पूरा कवर करूँगी। और मैं बहुत ही थोड़ा पाउडर ले रही हूँ, जस्ट मैंने अपने ब्रश में अपना प्रोडक्ट डिप किया है और एक्सेस प्रोडक्ट रिमूव करके मैं अपना फेस सेट कर रही हूँ। इसे मैं ऑलमोस्ट अपने हाइलाइटिंग एरियाज़ पे यूज़ कर रही हूँ। बाकी जो सेकेंड पाउडर है, जो आपका कॉन्टोरिंग पाउडर है, जो मेरी एक्चुअल कलर से 4 शेड डार्कर है, वो पाउडर मैं यूज़ करूँगी अपने कॉन्टोरिंग को सेट करने के लिए। कॉन्टोर सेट करना ज़रूरी होता है अगर आप एक HD मेकअप चाहते हैं, इससे लुक अच्छा लगता है। और उसके बाद एक ब्लेंडर से मैं सब कुछ ब्लेंड कर लूँगी। और ब्लेंड करने से पहले मैंने यहाँ पे मेकअप फिक्सर यूज़ किया है, उसके बाद जो भी एक्सेस है स्पॉन्ज से मैंने डैप करते हुए रिमूव कर दिया है। देन अब मैं यूज़ करूँगी अपना पाउडर। बिहाइंड द कैमरा मैंने अपनी आईब्रोज को सेट कर लिया है और मैंने लूज़ पाउडर अपने आईज़ के नीचे रख दिया है ताकि जो भी डस्ट हो वो पाउडर पे गिरे और उसे हम अच्छे से रिमूव कर पाए। सो गाइस अब हम आईज़ मेकअप स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई मेकअप के 4 स्टेप हैं। पहला है आपका ट्रांसलेशन पाउडर, यानी कि कोई भी लाइटर शेड आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिंक शेड यूज़ किया है जो कि मैट फिनिशिंग में है, और उसको मैंने अपनी क्रीज तक अच्छे से अप्लाई कर लिया है बिग प्लफी ब्रश से। एक बार इसको दोनों तरफ ब्लेंड कर दूंगी। देन उसके बाद एक मीडियम शेड मैंने लिया है, ये आपका पिंक कलर है, डार्क पिंक है या डीप पिंक जिसे आप कहते हैं। इसे मैंने अपने इनर कॉर्नर पे और आउटर वी पे रख दिया है, और देन इसके बाद मैं इसको कर दूंगी ब्लेंड। इस तरीके से ब्लेंड करने पे जो मेरा आईबॉल एरिया है उस पे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगेगा और ये इजीली ब्लेंड भी हो जाएगा। सेम ओल्ड टेक्निक हम यूज़ करेंगे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बनाई थी, एंड पे रखेंगे और आईज़ को ओपन करेंगे एंड देन ब्लेंड। इस तरीके से क्रीज आपकी ईजिली बन जाती है। देन आपको अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। ब्रश पे आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है। आप चाहें तो अपने हिसाब से आप अपने कलर चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे पिंक पीची कलर यूज़ किया है तो मैं वही कलर आपको बता रही हूँ। आप कोई भी शेड्स ले सकते हैं, टेक्निक सेम रहेगी। आपको ब्रश पे प्रेशर नहीं देना है, बहुत हल्के हाथों से आपको ब्लेंडिंग करनी है और रब भी नहीं करना है। जब आप अपना पाउडर प्लेस करेंगे, आई शेडो प्लेस करेंगे, तो आपको डैप करना है, और जब आप ब्लेंडिंग करेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट हैंडेड आपको ब्लेंड करना है। और अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप अपनी फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा रिजल्ट चेंज रहेगा बट ईजली आपका ब्लेंड हो जाएगा। देन अब मैंने यहाँ पे एक मीडियम शेड का ब्राउन कलर यूज़ किया है डीप शेड में, उससे मैंने अप्लाई किया है अपने लिड पे ताकि मेरी लिड पे एक क्रीज लाइन बन जाए। मैं यहाँ पे एक ओम्बर इफ़ेक्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि मेरा जो पिंक शेड है वो थोड़ा सा और ज़्यादा ब्राइट लगे और एक क्रीज बन जाए। आप देख रहे होंगे क्रीज पे आपको एक ब्राउन शेड नज़र आ रहा होगा, आपको इस तरीके से अपने क्रीज पे एक ब्राउन शेड यूज़ करना है जिससे आपके लिड ओपन लगेंगी और एक डेप्थ मिलेगी। अब डेप्थ के लिए हम सेम शेड यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने और ज़्यादा डीपर शेड लिया है, ये पर्पलिश और रेड कलर है। इसे मैं अपने आउटर वी पे ही प्लेस करूँगी और इसे मैंने डैप करते हुए प्लेस किया है, और जो बचा हुआ प्रोडक्ट है उसे मैं अब अपनी आईबॉल तक यानी कि मिड तक लेके आऊँगी, जिससे मेरी जो क्रीज है वो और हाइलाइटिंग हो जाए। यानी कि मैं इसे जो डार्क शेड है, क्योंकि मेरी आईज़ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है बट मेरी आईज़ का शेप अच्छा है, इसलिए मैं डीपर शेड को अपनी क्रीज तक नहीं लेके आ रही,
लिट तक लेके आ रहे हो। जो क्रीज है आपको दिख रहा होगा, जो पिंक है, जो पोमनेंट दिख रहा है, वो हमारी क्रीज होती है, और जहाँ मैंने अपना ब्राउन शेड प्लेस किया है वो हमारी लिड होती है। जहाँ आपकी जो लिड एरिया है मैं उसे थोड़ा सा डार्कर रखना चाहती हूँ, और जो मेरा क्रीज एरिया है मैं उसे थोड़ा ब्राइट रखना चाहती हूँ, बट मैं उसे डार्क नहीं रखना चाहती क्योंकि उससे मेरी आँखें मुझे और छोटी लगती हैं। सो आप इस तरीके से आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा क्लोजली आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने अब अपनी आई वॉल पे एक कलर प्लेस किया है, ये थोड़ा सा कॉपरी शेड है, क्योंकि इसके बाद मैं यहाँ पे अपना ग्लिटर प्लेस करूँगी। तो आप कोई भी बेस के लिए कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको तीन कलर नज़र आ रहे होंगे, लेकिन सारे ब्लेंड हैं। आपको इसी तरीके से ही यूज़ करना है। आप चाहें तो अपनी क्रीज पे एक सिंगल शेड देके आप अपना ग्लिटर यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद कोई और शेड जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो टिप दी थी उसकी मदद से आप अपना आई मेकअप ईजिली कर पाएंगे। देन आप अपना ग्लिटर प्लेस कर दीजिए। उसके बाद जब ग्लिटर आपका सूख जाए, उसके बाद मैंने एक डीपर शेड लेके उसको अपने ग्लिटर से मिक्स कर दिया है, और अपनी क्रीज को भी थोड़ा सा डार्क कर दिया है, जिससे जो मेरा ग्लिटर का लुक है वो और अच्छा लगेगा। और उसे मैंने अपने आउटर वी से मिक्स कर दिया है ताकि वो अलग ना लगे, सेम ही लगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा क्योंकि आपने ग्लिटर यूज़ किया है और ग्लिटर बहुत ज़्यादा चंकी होते हैं। मैंने यहाँ पर एक चंकी ग्लिटर यूज़ किया है, तो अगर आप यहाँ पर अब लाइट हैंडेड काम नहीं करेंगे तो आपका ग्लिटर ख़राब हो जाएगा। देन अब मैं अपनी लोअर लाइन और अपनी जो जो मेरे शेडोज़ हैं उसको मैं कनेक्ट कर रही हूँ। जो मैंने थर्ड टाइम जो मैंने डीपर शेड लिया था वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने यहाँ पे लाइट ब्राउन कलर यूज़ किया है, उसके बाद जो मेरा डीपर शेड था, डीपर पर्पलिश शेड, वो मैंने लिया है। आप कोई भी डीपर शेड ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे वही शेड लिया है अपना, और अपनी लोअर लैश लाइन को मैंने मिक्स कर दिया है अपने शेडो के साथ, और अपने वी को मैंने परमानेंट कर दिया है। आप अपने आई शेप के हिसाब से अपना मेकअप कर सकते हैं, बट ये मेकअप सभी आई शेप्स पे अच्छा लगता है। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने यहाँ पे रेवलॉन का जेड ब्लैक काजल लिया है, और मैं इसे अपने अपर लैशेज और बॉटम लैशेज पे फिल कर रही हूँ अच्छे से। काजल की तरह आपको नॉर्मली इसको अप्लाई करना है। आप देख रहे होंगे काजल लगाते ही मेरी आईज़ एकदम ही ब्राइटन अप हो गई हैं। वो पहले डार्क थी लेकिन अब ज़्यादा ब्राइट लग रही हैं। इस तरीके से आप इजीली अपना काजल अप्लाई कर लीजिए। आप कोई भी काजल ले सकते हैं, मैंने रेवलॉन का लिया है। आपको अपने लोअर लैशेस और अपर लैशेस में लगाना है ताकि आपके आईज़ कनेक्टेड लगें, और देन आप कोई ऐसा छोटा ब्रश ले लीजिए और उसके बाद आप इसे ब्लेंड कर दीजिए, बिल्कुल लाइट हैंडेड ब्लेंड कर दीजिए और कनेक्ट कर दीजिए अपने आउटर वी से। इस तरीके से आपकी आई शेप बड़ी हो जाएगी और लुक अच्छा लगेगा। हाँ, मैंने अपने आईब्रोज पे हाइलाइटिंग दी है एक गोल्डन कलर से ताकि ये थोड़ा और शार्प हो जाए। देन आप यूज़ करेंगे आप अपना मस्कारा। अगर आप फेक लैशेस यूज़ करते हैं तो भी आपको वन कोट मस्कारा ज़रूर देना चाहिए, अदरवाइज़ आप एक कोट ड्राई होने के बाद सेकंड कोट अप्लाई कर सकते हैं। और जिस तरीके से आप ऊपर अपना मस्कारा अप्लाई करेंगे, देन उसी तरीके से आपको लोअर लैशेस पे भी अपना मस्कारा अप्लाई करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपकी आईज़ ब्राइट लगती हैं। और मैंने बिहाइंड द कैमरा अपने लैशेस लगा लिए हैं और उसके बाद एक कोट और मस्कारा दिया है। फेस मेकअप हो गया है कम्प्लीट। अब हम करेंगे अपना ब्लश। मैंने यहाँ पर ब्लू हेवन का ब्लश यूज़ किया है पिंक कलर का। देन उसके बाद अपने हाइलाइटर का मैं टचअप दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने शिवाना का हाइलाइटर यूज़ किया है, ये मेरा फेवरेट हाइलाइटर है। और शिवाना का हाइलाइटर यूज़ करने से पहले, यानी कि हाइलाइटर यूज़ करने से पहले मैंने एक बार मेकअप फिक्सर यूज़ किया है अपने फेस पे। उसके ड्राई होने के बाद मैंने ब्रश से अपना हाइलाइटर यूज़ किया है। मुझे ऐसा लगता है कि फिक्सर के बाद हाइलाइटर यूज़ करने से आपका हाइलाइटर ज़्यादा पॉप होता है, ज़्यादा शाइनी होता है, तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे मेरे फेस पे इंस्टेंट ग्लो आ गया है। देन उसी ब्रश को मैंने थोड़ा सा क्लीन किया है और सब कुछ ब्लेंड कर दिया है अगेन। अब मैं यूज़ कर रही हूँ अपने लिपस्टिक। मैंने लिप्स को ना ज़्यादा लाइट रखा है ना ज़्यादा बोल्ड। लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं अपनी कोई भी फेवरेट लिपस्टिक। मैंने यहाँ टू लिपस्टिक को मिक्स करके ये शेड बनाया है, और ये है गाइस आपका फाइनल लुक। मैंने इसे कैरी किया है चूड़ियों के साथ, एक हैवी मांग थी कि इवनिंग में कैरी करते हैं, तो आप अपने ज्वेलरी वेयर कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। बट मुझे ये थोड़ा सेटल रखना है, इस वजह से मैंने यहाँ अपना चौकर और अपने झुमके अवॉइड किए हैं। सो गाइस, ये है आज का फाइनल लुक। अगर आपको पसंद आया आज का लुक, आज की ट्रिप्स, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट्स में अपना प्यार जताइए।